पिछली वीडियो में हमने ओवरऑल जितनी टैग्स, जितनी तो नहीं मतलब कि चंद वेबसाइट्स हमने देखी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं टैग्स रिलेटेड, टैग्स फाइंड करने में, यूट्यूब टैग्स फाइंड करने में, यूट्यूब कीवर्ड्स फाइंड करने में, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो आज हम लोग उनको एक एक करके डीपली देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हमाद 946 एंड वेलकम टू माई यूट्यूब सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी थी, आपको मैंने बताया था कि जस्ट ओवरव्यू आपको मैंने जस्ट उनका बताया था, और अब हम लोग उनको डिटेल्ड एक एक वेबसाइट को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट का क्या फंक्शन है और कौन सी वेबसाइट किस तरह से यूज़ की जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले YouTube के खुद के सर्च इंजन से स्टार्टअप लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। स्टार्ट में मैंने भी किया था, और बाद में मुझे ही पता चला था कि मतलब ये जो सर्च होती हैं, मतलब YouTube की जो सर्च इंजन से सारी कीवर्ड्स आ रहे होते हैं हमारे पास, बेसिकली यहाँ से उठा के जो वेबसाइट्स होती हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट होती हैं, टैग जनरेटर होती हैं, YouTube टैग जनरेटर्स की वेबसाइट होती हैं, कीवर्ड रिसर्च की वेबसाइट्स होती हैं, वो ज़्यादातर YouTube के प्लेटफॉर्म से ही टैग्स उठाती हैं, उठाकर अपनी वेबसाइट पे पुट आउट कर देती हैं, लाइक उनके साथ लिंक हो जाता है। तो अभी हम लोग सर्च बार पे जाते हैं। सर्च बार पे जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाउ टू क्रिएट। अभी जस्ट हम लोगों ने क्रिएट लिखा है और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कीवर्ड्स आ चुके हैं। हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट, हाउ टू क्रिएट एप्पल आईडी, हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट, मतलब बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब। अब साथ में हम लिखते हैं तो हमारे पास अब यूट्यूब के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो ऊपर से नीचे तक, मतलब के टोटली कीवर्ड जो हैं वो YouTube के सर्च इंजन से हमें मिल चुके हैं। हमें दूसरी किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें कीवर्ड्स मिलते हैं वो कीवर्ड्स रैंक्ड हुए हुए होते हैं, मतलब के सर्च बार पे ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। आप ये कीवर्ड्स या फिर ऐसे टैग्स यहाँ से उठाकर अपनी वीडियोस में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपकी जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में जाए और जल्द से जल्द वायरल हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग आगे फिर से इंक्लूड करते हैं, चैनल इंक्लूड करते हैं, तो फिर हमारे पास और बहुत सारे मतलब कीवर्ड्स आते जा रहे हैं, लाइक हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल 2021, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन एंड अर्न मनी, मतलब के जितने भी ये आपके पास कीवर्ड्स हैं ना, इन कीवर्ड्स को आपने यहाँ से देखना है। यहाँ पर आपने अपने लिए एक वर्ड फाइल बनानी है, ये सारे कीवर्ड्स उठाकर आपने अपने वर्ड फाइल में लिखते जाने हैं, मतलब सारे लिख देने हैं। लिखने के बाद फिर आपने एक एक करके अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर जाना है। किस तरह से करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि एक तरफ यूट्यूब टैब ओपन कर लेना और दूसरी तरफ एम एस वर्ड आपने ओपन कर लेना। अब जिस तरह से यहाँ पर मैं जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये आ चुका है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हाउ टू यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, ठीक है, फिर से आपने कॉपी किया हुआ है इसको, नीचे जाते हैं इन मोबाइल, और साथ में आपने कॉमा ज़रूर लिखना है। कॉमा से हमें ये एक एडवांटेज मिलता है कि आप पूरा का पूरा जो टैग है कॉपी करते हैं, कॉपी करके जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पे या फिर टैग्स में डालेंगे तो ये एक एक करके टैग सारे आएंगे। जबकि आप कॉमा के बगैर अगर टैग्स यहाँ पर लिख के कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो सारे के सारे एक ही लाइन में टैग्स आपके आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर देखना है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी, तो यहाँ पर फिर से हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल आया हुआ है एंड अर्न मनी, इस तरह से फिर मैंने लिख लिया।
उसके बाद यहाँ पर फिर आपने आना है और फिर आपने देखना है कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब कि ऑन पीसी, लैपटॉप, हिंदी, उर्दू, लोगो, मोबाइल इन 2021, मतलब कि यूट्यूब चैनल इन 2021। फिर आपने जाना है, आप लिख सकते हैं इन यूर डी यू, फिर नीचे जाएं हिंदी। अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके माइंड में भी आ रहे होते हैं और कुछ आप वेबसाइट से भी उठा रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपने एक ही जगह से सारे के सारे कीवर्ड उठाने हैं, उठाकर अपने अपनी वीडियो में पुट आउट कर देने हैं। आपने कुछ इस तरह से करना है कि सब वेबसाइट को लेना है, वहाँ पर अपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं, अबाउट जो भी आपका कीवर्ड हो आपने सर्च करना है, वहाँ से अपने टॉप रैंक वाले जो कीवर्ड होंगे वो आपने उठाने हैं अपने पास यहाँ पर एमएस वर्ड में नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने के बाद फिर आपने अपने कीवर्ड्स को पूरा करके या फिर टाइटल जो होंगे आपके अपने अपने चैनल पर लगाने हैं। तो यहाँ पर आपने कॉमा लाजमी लगाना है, जो भी टैग्स आप जैसे भी लिखें यहाँ पर कॉमा लाजमी रहेगा, क्योंकि कॉमा जो है हमें एक मतलब स्पेस प्रोवाइड करता है, स्पेस इस तरह से कि जैसे ही हम लोग ये पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स हैं उठाकर कॉपी करते हैं, कॉपी करके डायरेक्ट यूट्यूब पे अगर पेस्ट करते हैं, तो ये कॉमा की वजह से हमारा जो सिंगल सिंगल कीवर्ड है वो ही यूट्यूब टैग्स में आएगा, लाइक हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से बिल्कुल एक कीवर्ड यही हमें शो आउट होगा और दूसरा दूसरे कीवर्ड में आएगा, तीसरा तीसरे में आएगा। अगर हम लोग कॉमा नहीं लगाते तो हमारे पास कीवर्ड्स कुछ इस तरह से YouTube पर आ जाएंगे और जो कि बड़ा ख़राब होगा हमारे लिए। तो दैट्स वाई कि हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है, तो बेहतर है कि हम यहाँ से ही कॉमा लगा कर जाएँ ताकि हमें वहाँ पर जाकर अपने टैग्स को ढूंढना ना पड़ेगा कौन सा हमारा टैग यहाँ से आ गया है तो हमें उसे अलग करना चाहिए। तो बेहतर है हम यहाँ से ही कॉमा इसे लगा दें। तो ये थी हमारी YouTube सर्च इंजन के थ्रू जो कि हमने टैग्स फाइंड करने हैं और हमने किए भी हैं और आप भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वेबसाइट को देखेंगे कि वहाँ से हम लोग किस तरह से कीवर्ड अपने उठा सकते हैं और अपनी वीडियोस में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Thank you.